क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2012 में तीन नंबर का हुआ है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, सम पूछ रहा है भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। मतलब 7 के थ्री डिजिट जितने भी मल्टीपल होंगे उन सबका सम बताना है। तो हमें सबसे पहला नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अब बच्चे काउंट करने लग जाएंगे कि सर पहला नंबर कैसे निकलेगा। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, थ्री डिजिट पहला नंबर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 100 को 7 से डिवाइड कर दो, तो ठीक है, तो कितना आएगा ये 14 5 80 और 14 2 28 48 टाइम में कितना आ गया 98। तो कितना बचा, ये टू बचा ना। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, इस सेवन में से इस टू को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 7 - 2 कितना बचा, 5 बचा ना। अब इस 5 को इस 100 में ऐड कर दो, तो कितना आएगा 100 + 5 मतलब 105। तो पहला नंबर कौन सा है कि 105, तो यहाँ पे मिल गया मेरे को पहला नंबर 105। दूसरा नंबर कितना आएगा, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112। तीसरा नंबर कितना आएगा, 119। इस तरीके से सर लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे, देखो अब उसका भी तरीका समझो, 1000 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, ये अभी किया था मैंने 14, ये आएगा 98, फिर बचा 20, तो 14 7 2 14 दो बारी में 14 कितना बचा, 6 बचा ना। अब इस 6 को इस 1000 से माइनस कर दो, मतलब 1000 - 6 तो कितना आ जाएगा, ये 994। तो 994 होगा लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 994। दोनों फंडे आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, मैंने जो तरीके बताए उसको आपको अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मिटा देता हूँ ये दोनों फंडे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब अगला देखो क्या कह रहा है, अब हमें इसमें क्या क्या पता चल गया भाई, हमें पता चल गया ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी पता चल गया, किसी तरीके से हमें ए एन पता है। तो यहाँ पे क्या पता है मुझे, ए पता है कितना है 105, डी पता है, डी कितना है भाई 7 का मल्टीपल है तो 7 ही होगा, ए एन पता है, ए एन कितना है 994। तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, देखो ए एन है 994, ए कितना है हमारे पास 105 और प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7। तो 105 को इधर ले आओ तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ से होता अगर तो 100 माइनस होते तो 100 होंगे तो ये 894 और उसमें से 5 और माइनस कर देंगे तो 808 89 ये आएगा और 7 कहाँ आएगा, ये अब डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एन माइनस 1। तो 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 बन जा 7, फिर बचा 18, तो 7 2 14, फिर बचा 4 9 तो ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 127। तो मतलब 127 इक्वल टू एन माइनस 1, अब ये माइनस 1 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 मतलब 128 एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब मुझे एन पता चल गया तो भाई मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अब मेरे पास सारी वैल्यू है कितनी 126, मतलब a इसमें कितने टर्म्स है 128, तो मतलब s 128 निकालने के लिए क्या करेंगे, 128 अपॉन 2 और यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू a कितना है, a है 105 प्लस n कितना है 128 माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ से देखो इसको काट देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 12 6 बारी में 64 और यहाँ से कितना आएगा 210 प्लस 128 127, तो 127 की 7 से मल्टीप्लाई तो 7 7 7 7 49 4 7 2 14 और 4 18 4 7 1 7 और 1 8 कितना आएगा 889। तो 889 ये बचेगा ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 64 और इंटू अब 8 और 2 10 तो 10 हो गए और 89 तो 1099 1099, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये सोल्व करके आ गया हमारा 70 70336, तो मतलब सम कितना आ जाएगा 70336। बहुत ही शानदार और थोड़ा हटके क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
अच्छे से समझना, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछे थे कि कितने नंबर डिवाइड होंगे। इसमें इसने ये पूछा कि जितने नंबर डिवाइड होंगे 3 डिजिट 7 से उनका सम बताना है। तो ये आंसर आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अच्छे से लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।